हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इट्स फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और इसके थ्रू आप लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं और एज अ बिगिनर आप लोग इसे कैसे स्टार्ट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोग को कि एफिलिएट मार्केटिंग एक मार्केटिंग का वे है जहाँ पे कोई एक कंपनी होती है और उसका एक प्रोडक्ट होता है। अब वो कंपनी क्या करती है कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाने के लिए कुछ पैसे, कुछ परसेंट कमीशन आपको देती है। तो जितना भी आप लोग उस कंपनी का प्रोडक्ट की सेल करेंगे, जितनी ज़्यादा, उसके बदले आप लोग को उतना पैसा मिलेगा। फ्रेंड्स, अमेजोन एक कंपनी है और उसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसमें से कोई एक प्रोडक्ट हम लोग चूज़ कर लेंगे और उसकी हम लोग सेल को इंक्रीज करेंगे, उसको हम लोग प्रमोट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेज में। अगर आप लोग के पास ब्लॉग है तो हम लोग ब्लॉग पे उसे प्रमोट करेंगे एंड हम लोग उसको एड्स के थ्रू प्रमोट करेंगे, इंस्टाग्राम का यूज़ करेंगे, फेसबुक का यूज़ करेंगे, जैसे भी हम लोग उसकी सेल को इंक्रीज करेंगे। और जितनी भी हम लोग के लिंक के थ्रू जितनी भी सेल आएगी तो उसके बदले जितना भी सेल होगी उसके परसेंट, उसके बदले में हम लोग को कंपनी कुछ परसेंटेज में कमीशन देती है। अब ये कितना कमीशन हो सकता है, ये फ्रेंड्स अप टू 10% टू 14% ऐसे आसपास होता है अमेज़ॉन का। और ये अलग अलग कंपनीज के मतलब अलग अलग वेबसाइट पे आप लोग रजिस्टर कर सकते हो, उसकी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और हर जगह पे अलग अलग कमीशन होता है। यहाँ पे कमीशन 50% तक भी मिल सकता है, उससे ऊपर भी होता है। तो ये डिपेंड करता है आप लोग किस टाइप का प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज है या अदर टाइप की कंपनीज है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो कमीशन है वो है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं आप लोग के पास अगर एफिलिएट मार्केटिंग की नॉलेज है या नहीं, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो मैं बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग के यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और मैं भी इसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूं और इसकी पूरी सीरीज चलने वाली है। तो आप लोग मेरी सीरीज को देख सकते हैं और इसमें आप लोग को मैं बताऊँगा कैसे आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग को करते हैं, पूरे डिटेल में बताऊँगा। तो अब यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप लोग को ज़रूरी नहीं कि आप लोग के पास नॉलेज हो जाता, आप लोग इजीली इसे सीख सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिनके ऊपर हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अमेज़ॉन के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर इसका प्रोग्राम है एंड बहुत सारी अदर वेबसाइट्स हैं जैसे क्लिकबैंक है, ये पूरे वर्ल्ड में चलती है, और भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप लोग को सिंपली रजिस्टर कर लेना है इन वेबसाइट्स के ऊपर और इसके थ्रू आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उनकी बात करता हूँ जिनके पास पहले से यूट्यूब चैनल है एंड उनके पास कोई ब्लॉग है या कोई वेबसाइट है। तो अगर आप लोग के पास कोई किसी भी कैटेगरी का यूट्यूब चैनल या ब्लॉग है, अब अगर वो फैशन से रिलेटेड ब्लॉग है या यूट्यूब चैनल, तो आप लोग वहाँ पे फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं एंड आप लोग को ये प्रोडक्ट की अमेज़ॉन की या उस वेबसाइट पर मिल जाएंगे जहाँ कि आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वहाँ से आप लोग को प्रोडक्ट को पिक करना है और अपने ब्लॉग के ऊपर या अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप लोग को एक छोटा सा रिव्यू पोस्ट करना है। अब ब्लॉग के ऊपर आप लोग को रिव्यू पूरा लिखना पड़ेगा एंड यूट्यूब अगर चैनल है तो वहाँ पे आप लोग को एक अच्छा सा वीडियो बनाना है। और अगर आप लोग के पास दोनों है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग दोनों जगह इसको कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग अपनी एफिलिएट लिंक को दे सकते हैं। अब वहाँ पे आप लोग को प्रमोट करना उसको, और यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितना ट्रैफिक आ रहा है उस वेबसाइट पे या आपके यूट्यूब चैनल पे। तो ट्रैफिक के हिसाब से और ऑडियंस उस चीज़ में इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो आप लोग को ये देखना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट आप लोग को प्रमोट करना ज़्यादा बेटर है। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं उनकी जो बिगनर्स हैं और जिनके पास कोई भी यूट्यूब चैनल है या नहीं है या फिर कोई ब्लॉग है या नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग कोई एक ब्लॉग छोटा सा क्रिएट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को रजिस्टर करते टाइम इसकी ज़रूरत पड़ेगी एक लिंक की, वेबसाइट या यूट्यूब चैनल की। तो चाहे आप लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, चाहे आप लोग छोटा सा ब्लॉग क्रिएट करते हैं, आप लोग को वहाँ पे लिंक लगाना पड़ेगा एंड उसके बाद आप लोग को ब्लॉग पोस्ट डील करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और अगर आप लोग फ्री में एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग को कोई यूट्यूब चैनल होना चाहिए या तो स्टार्ट कर दीजिए और ब्लॉग डेली पोस्ट करना है। आप लोग को उस ब्लॉग को रैंक कराना है और जब वो ब्लॉग रैंक हो जाएगा तो उसके ऊपर आप लोग की सेल बढ़ जाएगी।
और फ्रेंड्स अगर आप लोग ब्लॉग पोस्ट नहीं कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते हैं तो उसका भी ऑप्शन है कि आप लोग चाहें तो इसे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, गूगल एडवर्ड्स के थ्रू आप लोग प्रमोट कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसके लिए भी एक लैंडिंग पेज होना बहुत ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए आप लोग नॉर्मली ब्लॉगर पे जा सकते हैं या फिर आप लोग वर्डप्रेस पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप लोग फ्री में लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब ब्लॉगर भी फ्री है और वर्डप्रेस भी फ्री है, बट यहाँ पे क्या है, ब्लॉगर पे होस्टिंग भी आपको फ्री मिल जाती है और आप लोग चाहें तो डोमेन परचेज कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो उसी डोमेन को, ब्लॉगर वाले डोमेन को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को एक अच्छा सा लैंडिंग पेज क्रिएट करना है जहाँ पे लोगों को अच्छा लगे, जो भी विजिटर आए उसको एक अच्छा सा क्लीन लुक दिखे, और वहाँ पे आप लोग उस प्रोडक्ट की डिटेल में रिव्यू डालेंगे और वहाँ पे आप लोग अपना एफिलिएट लिंक भी डालेंगे और उस लिंक के थ्रू आप जो विजिटर होगा वो अमेज़ॉन की साइट पे चला जाएगा। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आप लोग अपने लैंडिंग पेज को कहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिल जाता है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का एंड गूगल एड्स का, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विजिटर आते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग को यहाँ पे अच्छा कन्वर्जन मिल जाएगा और इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स भी ठीक ठाक रेट में अवेलेबल हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं, फेसबुक में सबसे सस्ते हैं, बट इंस्टाग्राम और फेसबुक लगभग बराबर आ जाता है और गूगल एड्स थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन वो भी लगभग बराबर ही होता है, तो आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को प्रेफर करूँगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग एड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग को एड्स चलाना है और आप लोग को एक ऑडियंस टारगेट सेलेक्ट करना है कि आप लोग को दिल्ली की ऑडियंस को टारगेट करना है या फिर आप लोग को मुंबई या आप लोग को जो भी लोकेशन अच्छी लगती है, आप लोग को देखना कि कहाँ की ऑडियंस कैसे प्रोडक्ट खरीदना पसंद करती है, आप लोग को वहाँ पर प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो ये हम लोग को देखना है और वहाँ पर हम लोग को अपने प्रोडक्ट के लिंक को प्रमोट करना है। इसके लिए हम लोग को थोड़ी और चीज़ों का ध्यान रखना होगा किस तरह से हम लोग प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं अगला वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर एंड बात करते हैं आगे। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे अपने लिंक को प्रमोट करते हैं, अपने प्रोडक्ट एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो आप लोग को कन्वर्जन रेट अच्छा मिल जाएगा, ईजिली आप लोग को यहाँ से ट्रैफिक मिल जाएगा और आपके एफिलिएट प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होने के चांसेस हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। और भी कई सारे वेज हैं, आप लोग ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। अब वहाँ पे आप लोग को क्या है कि ये फ्री वे में आप लोग को डेली ब्लॉग पोस्ट करना पड़ेगा और एटलीस्ट वन मंथ आप लोग ब्लॉग को पोस्ट करिए, वहाँ पे रिव्यूज़ लिखिए डिफरेंट, और वहाँ पे आप लोग को ब्लॉग को रैंक कराना है और उसके बाद आप लोग की वहाँ से कन्वर्जन रेट चालू हो जाएगी। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, या फिर आप लोग अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए किसी एक टॉपिक के ऊपर, उससे रिलेटेड आप लोग प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे यहाँ पे हम लोग को इन्वेस्ट भी नहीं करना है और हम लोग ईजिली यूट्यूब पे रैंक हो सकते हैं, हम लोग के यूट्यूब पे व्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो तरीका होगा वो यूट्यूब होगा, बट अगर आप लोग को अर्निंग ज़्यादा करनी है तो आप लोग पेड प्रमोशन पे जा सकते हैं, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पे यूट्यूब चैनल आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप लोग यूट्यूब पे उसके छोटे छोटे रिव्यूज़ वीडियोस बना सकते हैं एंड वहाँ पे आप लोग उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे आप लोग को कन्वर्जन रेट ठीक ठाक मिल जाएगा क्योंकि ऑडियंस को ईजिली वीडियो के फॉर्म में उसका रिव्यू मिल जाएगा जो कि सभी को ईजिली पसंद है, तो यहाँ पे आप लोग को कन्वर्जन रेट अच्छा मिल जाएगा, तो ये एक अच्छा चांस हो सकता है। तो फिर इस तरह से हम लोग अपने एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि हम लोग को पेमेंट कैसे मिलती है। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि आप लोग को इन डिफरेंट वेबसाइट पर डिफरेंट पेमेंट मेथड होते हैं, अमेज़ॉन पे डायरेक्ट बैंक में पेमेंट हो जाती है, ऐसी हर वेबसाइट पे जिसमें अवेलेबल बैंक में डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं, यहाँ पे पेपाल का ऑप्शन होता है और भी कई सारे पेमेंट के वेज हैं और यहाँ पे चेक के थ्रू भी होता है। तो यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग
पेमेंट में, तो आप लोग को जो इजी लगता है जिस वेबसाइट में आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ज्यादातर वेबसाइट में आप लोग को बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे काम करना बहुत ही ईजी है। आप लोग को नॉर्मली जितनी भी सेल होगी उसका जो कुछ परसेंट कमीशन है वो आप लोग को ईजिली मिल जाएगा अपने अकाउंट पे, और उसको आप लोग इजीली विथड्रॉ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है और इसमें आप लोग को इंटरेस्टिंग कुछ मिला है या नहीं मिला है। और आप लोग को अगर इसके ऊपर और भी वीडियोज़ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, वैसे मैं इसकी पूरी सीरीज़ निकालने वाला हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम लोग की जो आने वाली नई वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को सबसे पहले मिल पाए। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।